हेलो स्टूडेंट वेलकम टू द माय चैनल तो स्टूडेंट आज फिर मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो कि साइंस बेस्ड एम सी क्यू रहेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो इज़ नॉर्मली रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स किसके साथ रिलेट करता है क्या वो चार्लीज़ ला या न्यूटन ला ऑफ कूलिंग या बॉयल्स ला या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है था तो आंसर राइट आपका डी रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये लॉ आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा ये लॉ क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर भी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ना हम इनर्जी को बना सकते हैं ना हम इनर्जी को दबा कर सकते हैं बस हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं तो यही इस लाह का मतलब था और उसी में यहाँ पर भी आता है अब क्यों इसके साथ रिलेटेड था वो भी बता देता हूँ वो सिंपल था कंसेप्ट है देखो बाय द वे हम बात करते हैं हीट की तो हीट हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है अगर एक हॉट बॉडी है और दूसरी कौन सी है कोल्ड बॉडी है अब हीट हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगी हॉट से टू वर्ड कोल्ड बॉडी जाएगी और तब तक जाती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए उसे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं समझिए इसलिए यहाँ पर आता है और एक और बात मैक्सिमम जो भी हमारे पास यहाँ पर पाई जाती है एनर्जीज वगैरह हीट भी एनर्जी है हीट भी क्या है एनर्जी है तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये लाफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है इतना याद रख लो ये अच्छा रहेगा आपके लिए अगला है आपके पास वाई वाइट क्लॉथ आर कूलर एज कम्पेयर टू एज़ कम्पेयर टू ब्लैक क्लॉथ हम ज़्यादातर गर्मियों में ना वाइट कपड़े पहनना पसंद करते हैं ना कि ब्लैक ये तो सबको पता है ब्लैक क्लॉथ जो होते हैं वो हीट को एब्ज़ॉर्ब करते हैं और वाइट वाले हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं जिस वजह से आपको गर्मी कम लगेगी और ब्लैक कपड़े पहनने से गर्मी ज्यादा लगेगी क्योंकि ब्लैक कलर हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है ठीक है तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या रहेगा दे एब्जॉर्ब होल ऑफ़ द लाइट दे रिफ्लेक्ट द होल लाइट तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बी रहना बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको चलिए अगले क्वेश्चन पे कह रहा है अर्थ अर्थ इज अ डैश अर्थ इज अ डैश अर्थ क्या है गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट है बैड एब्जॉर्बर ऑफ हीट है गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एंड गुड रेडिएटर ऑफ हीट है या बैड एब्जॉर्बर एंड बैड रेडिएटर ऑफ हीट है तो क्या है? इसका राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट इसका राइट right आंसर आपके पास डी रहेगा डी इज़ द राइट आंसर ठीक है ना ये अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब करती है ना ये रेडिएट करती है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है कि एट द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन इट वेव लेंथ ठीक है अब ये क्वेश्चन रहेगा वेव लेंथ वेव लेंथ क्या होती है कि मान लो ये आपके पास एक वेव थी तो ये एक क्रिस्ट और एक ट्रफ बना दिया फिर से एक क्रिस्ट बना दिया दो क्रिस्ट या ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को वेव लेंथ कहते हैं ये याद रखेंगे आप ठीक है तो कह रहे हैं एट द हाइस्ट वैल्यू ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इट इट्स वेव लेंथ वेव लेंथ क्या करेगी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा या डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट एट ऑल या हर टाइम पे कॉन्स्टेंट रहेगी या ऑन चेंजिंग टेम्परेचर वेव लेंथ डज नॉट एक्ट इन एक्ट अ डेफिनेट डायरेक्शन तो क्या इसका राइट आंसर रहेगा तो आपका राइट आंसर रहेगा भी ठीक है डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर समझ रहे ठीक है डिग्रीज होगी जब क्या इंक्रीज होगा टेम्परेचर होगा क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट रहेगा फिफ्थ क्वेश्चन कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन एनी टू सिस्टम डिपेंड अपॉन ठीक है किसके ऊपर डिपेंड रहेगा डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बताइए देयर स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट या इंडिविजुअल टेम्परेचर या अमाउंट ऑफ हीट दे कंटेन इंडिविजुअली क्या इसका राइट आंसर रहेगा तो राइट आंसर आपके पास सी रहेगा मैंने कहा था उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है हमेशा हीट हॉट बॉडी से कहाँ जाएगी टू वर्ड द कोल्ड बॉडी तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा दोनों हॉट और कोल्ड दोनों क्या है वैसे टम्परेचर है तो इन पर डिपेंड करेगा अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट क्या होती है ये दोनों अपने आप में एक डेफिनेशन हैं तो स्टूडेंट जो आपके पास स्पेसिफिक हीट रहेगी स्पेसिफिक हीट क्या रहती है कि किसी को हीट दो ताकि उसका जो सब्सटेंस है उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो वन डिग्री सेल्सियस हो जाए कितना हो जाए वन डिग्री सेल्सियस याद रहेगा वन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसको इतनी हीट दो ताकि उसके अंदर की जो टेम्परेचर है वो वन डिग्री सेल्सियस हो जाएगा उसे स्पेसिफिक हीट कहेंगे और लेटेंट हीट क्या होती है वट इज़ लेटेंट हीट लेटेंट हीट होती है स्टूडेंट जो चेंज करिए उसकी स्टेट को ठीक है जो क्या करेगी चेंज करेगी उसकी स्टेट आप पूछोगे स्टेट क्या होती है स्टेट होती हैं सॉलिड लिक्विड और गैस पता है ठीक है हालात किस हालात में सॉलिड है, है लिक्विड है या गैस में है ठीक है तो इसके आगे जाके दो डेफिनेशन बन जाती है लेटेंड हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंड हीट ऑफ फ्यूजन ठीक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहता है पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन स्टूडेंट होती है कि जब हम किसी सॉलिड को हीट दें वो पिघल के लिक्विड बन जाए क्या बन जाए लिक्विड बन जाए सेकंड वन था कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या था वो था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है स्टूडेंट कि अगर आप किसी लिक्विड को किसी लिक्विड को अगर आप हीट दो और वो गैस बन जाए उसे कहते हैं क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कह रहे द यूनिट ऑफ प्लान कॉन्स्टेंट के यूनिट क्या होते हैं वो आपका फर्स्ट आएगा जी एस जूल सेकेंड ठीक है याद रखेंगे आगे चलिए आपके पास सेवेंथ क्वेश्चन द डायमेंशन फार्मूला प्लैंग डायमेंशन ऑफ क्या पाया जाएगा इसके अंदर ठीक है जल्दी से बोले इसका लीनियर मोशन होगा या एंगुलर मोमेंटम होगा फोर्स होगा या एनर्जी होगा तो बी इसका राइट आंसर रहेगा एंगुलर मोमेंटम आप पूछोगे वट इज़ एंगुलर मोमेंटम ठीक है एक होता है मोमेंटम ओनली मोमेंटम मोमेंटम हो गया रफ्तार किस रफ्तार से कोई बॉडी चलती है तो होता है क्या है पी इक्वल टू एम इन टू वी पी होता है इसका सिंबल और मास इनटू वेलोसिटी होती है मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को हम मोमेंटम कहते हैं और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है जब भी बॉडी कोई रोटेशनल इफेक्ट शो करती है अगर वो सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसके मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं और डिनोट इसको एल से किया जाता है क्लियर चलिए अच्छा कुछ और भी हैं लीनियर मोशन क्या होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक लाइन में मूव कर रहा है चाहे वो स्ट्रेट है चाहे कहीं आगे पीछे जा रहा है तो वो लीनियर मोमेंटम हुआ ठीक है सॉरी लीनियर मोशन हुआ जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसे मोशन कहते हैं अगर वो लाइन में मूव कर रहा है तो लीनियर मोशन हुआ एंगुलर मोमेंटम बढ़ा चुका हूं फोर्स फोर्स क्या होती है ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो पुश आर पुल किसी बॉडी को पुश करो या पुल करोगे तो आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो और फोर्स के यूनिट याद रखेंगे आप पूरा वो होता है न्यूटन क्योंकि कंसेप्ट देने वाले इंसान का नाम न्यूटन था अगला वट इज़ इनर्जी इनर्जी क्या होती है स्टूडेंट इनर्जी होती है कैपेसिटी और एबिलिटी कैपेसिटी एबिलिटी टू डू सम वर्क ये सब पढ़ाया हुआ है वीडियोस देख सकते हो आप मेरी प्लेलिस्ट में पढ़ी होंगे। अगला क्वेश्चन अ वाइट एंड स्मूथ सरफेस अ वाइट एंड स्मूथ सरफेस इज एक वाइट और स्मूथ सरफेस किस तरह का रहेगा क्या काम करता है वो गुड अब्जॉर्बर होता है गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट होता है बैड अब्जॉर्बर या फिर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट होगा बैड अब्जॉर्बर या बैड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट होगा बैड अब्जॉर्बर एंड बैड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट होगा तो राइट right आंसर आपके पास बी रहेगा याद रखें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहे हैं कि आपके पास हीट ऑफ़ अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन ठीक है हीट जो है रिएक्शन की किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन पाथ बाई विच फाइनल प्रोडक्ट इज ऑबटेन या फिजिकल स्टेट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड रिएक्टन एंड रिएक्शन टेक प्लेस एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो क्या इसका आंसर रहेगा आंसर बी बी पार्ट इज़ द राइट आंसर रहेगा अच्छा यहाँ दो वर्ड यूज़ कर रहे हो ठीक है रिएक्शन तो आपको पता है रिएक्शन क्या होती है जब भी दो चीज़ें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मतलब जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें रिएक्ट करती हैं और वो एक प्रोडक्ट बनाती हैं तो उसे क्या बोलते हो रिएक्शन और रिएक्शन में होता क्या है कि जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं उसकी शेप चेंज हो जाती है और भी बहुत सारी चेंज आ, कलर चेंज हो सकता है बहुत सारी चेंजेस आती हैं केमिकल रिएक्शन में ठीक है तो अब जो चीज़ें मिलाई जाती हैं ना जो रिएक्ट करवाई जाती हैं वो रिएक्टेंट होगी और जो मिलता है ना लास्ट में उसे आप क्या बोलते हो प्रोडक्ट कहते हो ठीक है आई थिंक ये क्लियर हो गया हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था टेंथ क्वेश्चन कि सोल्डरिंग ऑफ टू मेटल इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी की वजह से सोल्डरिंग ऑफ मेटल जो है पॉसिबल हो सकता है क्या वो डिफ्यूजन या विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन या क्वेश्चन से <coughs> तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन रहेगा चलिए हम कुछ बाकी चीज़ें भी डिस्कस कर लें जैसे डिफ्यूजन ठीक है बहुत काम आने वाली चीज़ें डिफ्यूज़न ना आपको बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी हर जगह आपको डिफ्यूज़न होती है हम सांस लेते हैं तो ये भी डिफ्यूज़न के प्रोसेस से होती है बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा थी हमारी बॉडी के अंदर कम थी तो बाहर से हमने अंदर ली अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई बाहर कम थी तो वो भी डिफ्यूज़न है अब डिफ्यूज़न की बात करूँ डिफ्यूज़न में अगर कुछ भी हो रहा है तो वो हायर क्वान्टिटी से लोअर कोंटिटी की तरफ जाएगा कहाँ से जाएगा डिफ्यूजन क्या होती है मोवमेंट ऑफ सब्सटेंस मोमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ठीक है याद रखेंगे डिफ्यूजन में सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता जा रहेगा सेकेंड डेफिनेशन विस्कोसिटी वट इज विस्कोसिटी आप सब ने एक चीज़ सिंपली नोटिस की होगी जब हम पानी में चलते हैं ना तो हमें पानी चाहे कम होगा या ज़्यादा होगा हमें चलने के लिए जो फोर्स होती है वो थोड़ी हाई लगानी पड़ती है और क्यों लगानी पड़ती है क्योंकि हमारे रास्ते में पानी रुकावट पैदा करता है क्या पैदा करता है रुकावट ठीक है उस रुकावट को फ्रिक्शन कहते हैं और पानी में फ्रिक्शन को हम विस्कास्ट कहते हैं सिंपल सी बात थी याद रखिए अब सरफेस टेंशन क्या होती है ये कंसेप्ट ड्रॉप में लगता है किस में लगता है रेन ड्रॉप आप सब ने ऑब्जर्व किया होगा कि रेन ड्रॉप जो होते हैं वो स्पेरिकल होते हैं स्पेरिकल क्यों होते हैं एक रेन ड्रॉप ना मिनिमम एरिया लेने की कोशिश करता है तो उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो अंदर की तरफ फोर्स लगा लेते हैं ठीक है अंदर की तरफ क्या लगा लेंगे फोर्स और उस फोर्स को हम सरफेस टेंशन कहते हैं ताकि वो कम से कम एरिया ले और उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगे और वो कहाँ गिरे जाके नीचे गिरे अब बात आती है कोहेशन कोहेशन भी एक फोर्स है ये दो तरह की फोर्सेस आती है एक होती है कोहेशन एक है कोहेशन, कोहेशन होती है सेम मालिक्यूल के अंदर वाली फोर्स जैसे एक वाटर का मालिक्यूल दूसरे वाटर के मालिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा ठीक है हमेशा ठीक है मरकुरी में भी ऐसा होता है मरकुरी वेट नहीं करता मरकुरी एक ऐसा लिक्विड है जो कंटेनर को वेट नहीं करता वो इस फोर्स की वजह से कोहेशन की वजह से और दूसरी फोर्स जो बता रही थी मुझे वो थी एडिशन कौन सी फोर्स थी एडेशन तो फोर्स ऑफ एडिशन क्या होती हैं कि लिक्विड का लिक्विड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड द वॉल ऑफ कंटेनर उसकी तरफ मतलब पानी लग जाता है कहीं देखोगे कंटेनर में पानी डालोगे तो बाल्टी में डालोगे तो उसकी साइड पर होगा तो वो किसकी वजह से लगेगा एडिशन ठीक है मतलब तो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ में उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है उसे एडिशन अगर वाटर के मालिक्यूल वाटर के मालिकूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन आ गया ठीक है, है? चलिए आगे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ नंबर इलेवन विच आर द फॉलोइंग करैक्टिस्ज़ टू बी अडोप्टड टू यूज द मैटल इन द डाइजेस्टिव इन्ग्रेडिएट्स ठीक है तो किस तरह की करैक्ट्रिस यूज़ करोगे अडॉप्ट करने के लिए मैटल आफ द डाइजेस्टिव इन्ग्रेडियंट्स को तो क्या रहेगा लो हीट कंडक्टिविटी पे लो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी पे हाई स्पेसिफिक हीट पे या हाई हीट कंडक्टिविटी पे तो इसका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो क्या रहेगा सी सी इज़ द राइट आंसर ठीक है चलिए कैर आर टू यूज़ अ मेटल एज अ डाइजेस्टिव इंग्रेडिएंट अगर मेटल को आप डाइजेस्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज़ करोगे तो हाई स्पेसिफिक हीट चाहिए होगी आपको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्वेल्थ क्वेश्चन ट्वेल्थ क्वेश्चन कह रहा है भाई कि इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन बहुत ज़्यादा ठंड हो अगर इन अ कोल्ड कंट्रीज वाटर पाइप गेट बस्टिड ठीक है वाटर की पाइप जो होती हैं वो बस्टिड हो जाती हैं ठीक है तो उन कंडीशंस में आपको क्या करना पड़ता है क्या बिकॉज ऑफ़ फ्रीजिंग वाटर एक्सपेंडिड अच्छा आ, मतलब फ्रीजिंग वाटर एक्सपेंडिड का मतलब क्या हुआ कि सर्दियों में जब पानी जमता है पाइप के अंदर जो पानी रहेगा वो जम जाता है तो पानी एक्सपेंड हो जाता है और पाइप ब्रस्ट हो जाती हैं फट जाती हैं ठीक है थेके? या ड्यू टू द कंट्रक्शन ऑफ वाटर पाइप क्या सर्दियों में वो सिकुड़ जाती हैं ठीक है थेके? या फिर हाई एटमोसफियर प्रेशर ये ऑल ऑफ दिस तो आई थिंक जो राइट आंसर है वो ए रहेगा ये तो सबको पता है और बर्फ़ जो है बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है और पानी की डेंसिटी क्या होती है ज़्यादा होती है इसी वजह से बर्फ़ पानी के ऊपर तैर सकती है और डेंसिटी ज़्यादा पानी की है बर्फ़ की कम होगी तो बर्फ़ की डेंसिटी कम कब कब होगी जब वो सरफेस एरिया बढ़ा देगी इस वजह से पाइपें फट जाती हैं चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आज का रहेगा थर्टीथ क्वेश्चन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर इज ठीक है तो फ्रीजिंग पॉइंट जीरो डिग्री सेल्सियस होता है बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कह रहा हैं इन अ विंटर सीजन वाटर कमिंग आउट फ्रॉम हैंड पंप इज़ हॉट ये तो सब जानते हैं कि सर्दियों के टाइम पे पानी जो आता है ज़मीन के अंदर से वो गर्म होता है और उसके पीछे क्या कारण था वो देखना है कह रहा है इन विंटर आवर बॉडी टेम्परेचर रिमेन लो एंड सो वाटर अस फील हॉट हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है विंटर में लो रहता है और <coughs> इसी वजह से वाटर हमें गर्म लगता है इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर इज मोर देन द एटमोस्फिक टेम्परेचर कह रहा है कि जमीन के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है ज़मीन के अंदर का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है बाहर का टेम्परेचर कम है और ज़मीन के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो यही राइट आंसर होगा ठीक है बी इज द राइट आंसर चलिए चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि लेक फ्रीज इन अ कोल्ड लेक फ्रीज इन अ कोल्ड कंट्री इन विंटर लिविंग द वाटर अंडर नीथ एट ठीक है और उसकी नीचे का ऊपर की बर्फ़ तो जमी होगी नीचे का जो पानी का टेम्परेचर है वो कितना रहेगा कम से कम फोर डिग्री सेल्सियस तो राइट आंसर सी है आपका ठीक है चलिए क्या किल्लो वाट हावर किलो वाट हावर जो हैं वो किसके यूनिटें इनर्जी के किसके यूनिटें इनर्जी के अच्छा यहाँ कुछ नई डेफिनेशन है वट इज़ पावर पावर होता है पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है रेट ऑफ़ डूइंग और इसके यूनिट क्या होते हैं पावर के वॉट क्या होते हैं वॉट याद रखेंगे आप ठीक है चलिए क्लियर हुआ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेवेंटीन क्वेश्चन कह रहे द टेम्परेचर एट विच रीडिंग ऑफ बोथ फॉरन सेल्सियस स्केल आर सेम जहां पर दोनों सेम होंगी क्या वो चार सौ है माइनस चार सौ तीन सौ चालीस या माइनस के वन फोर फोर जीरो है तो राइट right आंसर जो है आपका वो बी है बी इज द राइट आंसर माइनस की फोर हंड्रेड पे सेम रहेगा अगले पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन द रेफ्रिजरेटर प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम कंटामिनेशन बिकॉज फ्रिज के अंदर फूड गंदा खराब नहीं होता स्पॉइलिंग ऑफ फूड नहीं होती और इसको साइंस की लैंग्वेज में रेंसिडिटी ऑफ फूड कहते हैं कह रहे हैं वो नहीं होता अब क्यों नहीं होता उसके पीछे क्या कारण है वो देखना है क्या एट इट्स लो टेम्परेचर बैक्टीरिया एंड फंगस बिकम नॉन रिएक्टिव लो टेम्परेचर पे बैक्टीरिया और फंगस उस पर असर नहीं कर सकते जर्म डाइड एट इट्स टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे जर्म मर जाते हैं जर्म गेट फ्रीज एट इट्स इसम्परेचर या इट मेक फूड फ्री फ्रॉम जम तो क्या इसका राइट आंसर रहेगा ए ठीक है? ए इज़ द राइट आंसर तो क्या था कि लो टेम्परेचर में बैक्टीरिया और फंगस जो होते हैं, वो रिएक्शन नहीं कर सकते तो फूड ख़राब नहीं होता नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किस टर्म से एक्सप्रेस करते हो ग्राम किलोग्राम परसेंट या रेशियो में तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को परसेंट में एक्सप्रेस किया जाता है ठीक है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है एक्चुअल वेपर डेंसिटी अपॉन सैचुरेशन वेपर डेंसिटी इनटू टू हंड्रेड ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहे टू प्रोड्यूस द लो टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए किस तरह का प्रिंसिपल आप यूज करोगे सुपर कंडक्टिविटी जूल कैलविन इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या फिर एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस तो स्टूडेंट राइट आंसर आपका डी रहेगा ठीक है दिस इज द राइट आंसर एडियाबेटिक डी प्रोसेस ठीक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ना आपके घरों में रोज होता है इसको भी बता देता हूँ होता क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे जूल ऑफ हीटिंग भी कहते हैं क्या बोलते हैं जूल ऑफ फीटिंग क्योंकि देने वाला इंसान का नाम जोल था कहता है कि जब भी तारों के अंदर से करंट प्रोड्यूस या पास हो रही है या किसी भी चीज़ के अंदर से करंट पास हो रही है या वहाँ पर आप करंट का इस्तेमाल कर रहे हो तो टम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता और चीज़ें गर्म होना शुरू हो जाती हैं और इसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके हम घरों में हीटर चलाते हैं ओवन चलाते हैं ठीक है तो माइक्रोवेव माइक्रोवेव चलाते हैं मतलब तो डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट चीज़ें जो जिनमें गर्मी चाहिए होती है वो सब यूज़ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी वन क्वेश्चन द रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड अपॉन विच फैक्टर रेट ऑफ कूलिंग किस फैक्टर पर डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग नेचर ऑफ रेडिएट सरफेस एरिया ऑफ रेडिएट सरफेस या ऑल ऑफ द तो स्टूडेंट इसका राइट right आंसर जो है आपका वो ए रहेगा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि थर्म 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 वर्ड क्या है देखो कहीं पर भी थर्मो थर्म लिखा हो तो डैट मीन क्या होता है हीट डैट मीन क्या होता है हीट ठीक है तो राइट आंसर आपका बी रहेगा अगर कहीं भी कीमो वर्ड लगा है साइंस की लैंग्वेज में तो कीमो हम लगाते हैं केमिकल्स के लिए इसके लिए यूज करते हैं मतलब केमिकल रिलेटेड चीज़ों के साथ अगर कहीं पे भी क्रोमो लगा है क्या लगा है क्रोमो तो मैं उसे कलर से याद रखता हूँ कि वो कलर रिलेटेड चीज़ है ठीक है लिको कलरलेस होता है अगर लिको लगा है तो लीको क्या होगा वो कलरलेस रहेगा लीको वर्ड यूज करते हैं कलरलेस के लिए याद रखें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज विद आल्टीट्यूड जैसे जैसे आप आल्टीट्यूड में जाओगे ऊपर की तरफ तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज क्यों होता है लो टेम्परेचर की वजह से लो एटमोस्फ प्रेशर की वजह से या फिर हाई टेम्परेचर की वजह से या फिर हाई एटमोसफेर प्रेशर की वजह से तो आल्टीट्यूड पे आपको एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या मिलेगा कम मिलेगा उसी वजह से ये होता है अगला वेन अ पीस ऑफ स्टोन इज इमोर्स इन अ वाटर वाटर इट डिस्प्लेस वाटर ऑफ इक्वल देखो जैसे ही एक कंटेनर था उसके अंदर आपने एक पत्थर को डाला तो जितना उसके अंदर पानी था उतना ही पानी ऊपर जाएगा तो इसका राइट आंसर आपके पास डी रहेगा उसकी वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा जितना पानी का साइज रहेगा उतना ही वॉल्यूम क्या करेगा डिसप्लेस होगा ऊपर की तरफ ठीक है इसे आर्क्यूमिडियन प्रिंसिपल भी कहते हैं क्या बोलते हैं आर्क्यूमिडियन प्रिंसिपल कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द डेंसिटी ऑफ द वाटर वन ग्राम पर सी सी इज स्ट्रिक्टली वैलिड टू एट फोर डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर बी रहेगा कह रहा है वाई क्लाउड आर फ्लोट इन एटमोस्फेयर देखो आप जानते हो सारे के सारे कि क्लाउड पाए जाते हैं एटमोसफेयर में और वो बहुत बड़े बड़े होते हैं वो इतने बड़े बड़े होने के बावजूद भी फ्लोट क्यों कर पा रही है एयर पे ठीक है लो प्रेशर की वजह से लो डेंसिटी की वजह से लो विस्कॉस्टी की वजह से और लो टेम्परेचर की वजह से तो एक कंसेप्ट समझाता हूँ सिंपल सा एक छोटी सी कोइन पानी के अंदर डूब जाती है एक रुपए की कोइन पानी में डालोगे डूब जाएगी मगर उससे भारी कटोरी ठीक है एक बाउल लोगे ठीक है अगर वो पतला सा है चाहे बड़ा भी होगा तो जब उसे पानी में रखती हो तो वो फ्लोट करता है किस कारण की वजह से डेंसिटी की वजह से गए अब डेंसिटी क्या थी कि कॉइन की डेंसिटी ज़्यादा थी और बाउल की डेंसिटी क्या थी कम थी इसी वजह से बाउल फ्लोट हो पाया और कॉइन जो थी वो डूब गई सिंक होगी ठीक है इसका मतलब यहाँ पर लो डेंसिटी थी तो लो डेंसिटी की वजह से क्लाउड की डेंसिटी लो थी इस वजह से क्लाउड जो थे वो फ्लोट कर रहे थे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्वेंटी सेवन्थ क्वेश्चन कह है कि विच ऑफ द फॉलिंग काज मोर बन ठीक है ये कंसेप्ट देखना यार थोड़ा सा कंसेप्ट सिंपल सा है आपको बहुत काम आने वाला है बॉइलिंग वाटर गर्म पानी से आप ज़्यादा जलोगे हॉट वाटर से जलोगे स्टीम से जलोगे या नन्ना दीजिए जल्दी से बताओ तो आंसर में रहेगा स्टीम ठीक है स्टीम इंसान को ज़्यादा जलाती है कभी देखा होगा गर्म पानी अगर डाल रहे हो तो या चाय डाल रहे होते हो तो कहीं बस स्टीम आपको थोड़ी सी हाथ के साथ छू के निकलती है तो वो ज़्यादा काज करती है बर्न एज़ कंपेयर टू हॉट वाटर गिरने की वजह से ठीक है तो याद रखें नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि ड्यू टू दॉर्जेंटल मोशन ऑफ एयर ट्रांसफर ऑफ हीट इज़ नाउन एज हॉर्जेंटल मोशन ऑफ एयर की वजह से हॉर्जेंटल मोशन का मतलब क्या होता है हवा का चलना हॉर्जेंटली हवा का हॉर्जेंटली चलना ठीक है ट्रांसफर ऑफ हीट ठीक है वो किस तरह की हीट को ट्रांसफर करेगा एडवेक्शन कन्वेक्शन कंडक्शन या रेडिएशन तो राइट right आंसर आपके पास ए रहेगा एडवेक्शन ठीक है कह रहा है कि द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द फ्लो ऑफ फ्लूड ठीक है फ्लो ऑफ फ्लूड की वजह से अगर हीट ट्रांसफर हो रही है एयर वाटर फ्लूड में आ जाते हैं तो हॉरिजेंटली उसे आप एडवेक्शन कहते हैं क्या बोलते हैं एडवेक्शन आ गया बर्न काज बाय स्टीम आर मच मोर इरिटेटिव मतलब अगर आप स्टीम से जलोगे तो आप ज़्यादा इरीटेट होगे ठीक है बॉइलिंग वाटर से ठीक है क्यों देखिए टेम्परेचर ऑफ स्टीम इज द हायर होता है या फिर स्टीम हैज लेटेंट हीट या फिर स्टीम इज़ द गैस एंड इंगल द बॉडी क्विकली या फिर स्टीम पायर्स थ्रू द पोर्स ऑफ अ बॉडी स्किन वो आपकी बॉडी के स्किन के छोटे छोटे सुराखों से अंदर घुस के आपको बर्न काज करेगी तो आई थिंक जो राइट आंसर रहेगा वो बी रहेगा कि स्टीम जो थी उसके पास में उसकी लेटेंट हीट थी और उसी लेटेंट हीट की वजह से उसने क्या काज किया ज्यादा बर्न इरिटेट इरीटेशन वाला बर्न काज किया नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टीन क्वेश्चन थर्टीन क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो कह रहा है कि द रियल गैस कैन एक्ट एज एन आइडियल गैस एट जो रियल गैस है वो एक्ट करती है एज ए आइडियल गैस किस चीज़ पे ठीक है कब करेगी तो वो बताना है आपको तो <coughs> कह रहा है कि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे लो टेम्परेचर हाई लो प्रेशर पे लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे या फिर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे तो राइट right आंसर इसका सी है स्टूडेंट लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे आई होप ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे सब्सक्राइब uh, करना ना भूलें मैं और वीडियोस आपके लिए इस तरह की बना कर लाऊंगा थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर कोई डाउट आता है कमेंट करें क्लियर करने की कोशिश करूँगा